हेलो ट्रैवलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू व्हील ट्रैवलर्स वंस अगेन। तो आज का जो व्लॉग है वो मेनली इस टॉपिक के ऊपर है कि मेरी जो जर्नी थी अब तक की, जीरो से लेके 1000 सब्सक्राइबर्स या फिर यूट्यूब यूज करने से पहले, यूट्यूब में आने से पहले जो मेरी ट्रैवल स्टोरीज थी उसके बारे में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग इसको जानना चाहते हो या नहीं, और ये था आपका रिप्लाई। ऐसा बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि YouTube जर्नी स्टार्ट करने से पहले मेरी लाइफ कैसी थी। ये अगर आपको जानना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए, और आइए मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा फ्लैशबैक में, जो कि है 2012 से। मेरी जो स्टोरी है वो बेसिकली स्टार्ट होती है 2012 से। मैं मास्टर्स कर रहा था फर्स्ट ईयर में। तो मेरा जो फैमिली है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मेरे मॉम और डैड दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, तो लाइफ का एक गोल सेट था कि हाँ, मास्टर्स करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, कोई एक गवर्नमेंट जॉब लग गया तो लाइफ पूरा सेटल्ड। और मैं भी बिल्कुल उसी वे में जा रहा। तो 2012 में मुझे अचानक से एक प्लानिंग आया कि इसके बाद हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं मास्टर्स के, और गवर्नमेंट जॉब्स के भी काफी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उससे पहले कुछ ऑफ बीट जगह मैं देख लूं। तो उस टाइम पे इतना ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, फेसबुक पे और व्हाट्सएप तो उस टाइम पे आया भी नहीं था 2012 में। तो मैंने क्या किया कि उस टाइम पे मैंने गूगल किया झारखंड और बंगाल के कुछ ऑफ बीट प्लेसेस, क्योंकि उस टाइम पे उतना पैसा नहीं होता था हाथ में कि मैं दूर कहीं पे चला जाऊं। तो मैंने झारखंड और बंगाल के कुछ ऑफबीट प्लेसेस सर्च किए। सर्च करने के बाद मैंने एक, मुझे याद है, मैंने घर पे बैठ के एक रूट मैप कागज पे पेंसिल से बनाया था और एक एस्टिमेट जोड़ा था कि इतना खर्चा हो सकता है, और फिर एक दिन मैं घर से भाग गया। काफी सारे इंटीरियर प्लेसेस है वहां पे मैं घूमा, जैसे कि काफी सारे कोयले के खदान है और जंगल थे, झरने थे, पहाड़, मतलब अभी भी वो सब जगहों पे उतना कोई जाता नहीं है। और मुझे याद है कि मैं कभी कभी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं किसी ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांग लेता था, किसी कोई कोयले का एक ट्रक जा रहा है उसमें चढ़ के चला जाता था। तो एक छोटा सा बैग था मेरे पास जिसमें कुछ खाने का सामान था, एक टेंट मैंने लिया हुआ था क्योंकि मैं होटल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीजें थे, और बस दो चार पैकेट मैगी थी क्योंकि उस टाइम तक मुझे खाली मैगी ही बनानी आती थी। तो ये लेके मेरा जिंदगी का फर्स्ट सोलो ट्रिप स्टार्ट हुआ, और उस टाइम पे यहाँ तक कि मेरे पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं था। चार दिन पांच दिन ऐसे मैं बहुत सारी जगहों पे घूमा, हर रोज सुबह घूमना स्टार्ट करता था, रात या शाम को कोई एक खाली जगह देख के वहां पे टेंट लगा के सो जाता था। तो तीन दिन चार दिन ऐसे कंप्लीट करने के बाद रामपुर हाट बोल के एक जगह है बंगाल में, बंगाल और झारखंड का बॉर्डर है, वहां से मैंने घर पे फोन लगाया। तो घर वाले बहुत रो रहे थे क्योंकि वो लोग सोच रहे थे पांच दिनों से लापता है, तो या तो कुछ हो गया होगा या फिर एक्सीडेंट हो गया होगा, जाने क्या है। तो मम्मी बहुत ज्यादा रो रही थी कि बेटा तू घर वापस आ जा। तो कहीं जाके मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगा कि हाँ यार, ये ठीक नहीं है, मतलब खुद के खुशी के लिए किसी को दुख देना, ये थोड़ा सेल्फिश वाला बिहेवियर है। तो मैं घर वापस आ गया। उसके बाद ट्रिप का सिलसिला काफी दिनों तक बंद रहा। मास्टर्स था, पढ़ाई थी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी थी, तो ऐसे चल रहा था बिल्कुल लाइफ, मतलब एक वे में चल रहा था। लेकिन हाँ, कहीं पे एक मेरे माइंड में वो सेट हो गया था कि मुझे इस तरह से घूमना है, क्योंकि मैं इससे पहले भी बहुत बार घूम चुका हूं, मतलब बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हम लोगों को बहुत ज्यादा जगहों पे घूमने ले जाते थे, जैसे कि 10th तक मेरा पूरा नॉर्थ इंडिया हो चुका था, नेपाल मैं जा चुका हूँ, कश्मीर मैं जा चुका हूँ, सिक्किम मैं जा चुका हूँ इससे पहले भी 6-7 बार अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये सब जगह होते होते अभी एक, लेकिन वो जो घूमना है वो अलग तरीके का घूमना है, और जो ट्रिप मैं करके आया था वो एक अलग तरीके का ट्रिप था। तो मुझे कहीं पे था कि हाँ, मुझे ये ट्रिप करना है। एक चीज मुझे समझ में आ गई थी तब तक कि बेटा, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए
और बहुत दिनों तक लगे रहना है। तो मुझे था कि मुझे एक जॉब चाहिए और जॉब से जो मनी आएगा उससे मैं ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस घूमूंगा। इसलिए मैंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया हुआ था। मेरा जो हिसाब था वो क्लियर एक ही हिसाब था कि मेरे पास पैसे आएंगे, इतने पैसों से मैं ये जगह, इतनी सारी जगह घूम सकता हूँ। और वो चीज अभी भी है, जैसे मेरा जो पैसे का हिसाब है वो बस इसी से होता है कि अगर मेरे पास 1,000 रुपए है तो 1,000 रुपए में मैं कितना किलोमीटर घूम सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने 3 या 4 साल काफी प्राइवेट कंपनीज में नौकरी की, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स का भी जो चीज है कि आप छुट्टी आपको नहीं मिलती है। जो ये था बेसिक नीड जो था जॉब का, वो यही था कि मुझे पैसे जमा करने हैं, उसके बाद घूमना है, और मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। तो मैं क्या करता था, 3 महीना 4 महीना 6 महीना एक जगह पे काम किया मैंने, उसके बाद कुछ पैसे आए, मैं घूमने निकल गया जॉब छोड़ के, उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन की। तो ऐसे 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 करके चल रहा था। 2014 में मैंने शायद बैंक ज्वाइन की थी, HDFC बैंक, और वहां पे मैं 3 साल टिक गया। तो 3 साल टिकने के पीछे जो कहानी है वो एक ही थी कि मेरी जो मैनेजर थी मौमिता मैम, उनको मैं अभी भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। तो मौमिता मैम मुझे, मतलब मौमिता मैम का एक ही था कि आप टारगेट कंप्लीट करो, आपका जो काम है वो खत्म करो, छुट्टी के लिए वो मुझे कभी नहीं रोकती थी। और उस टाइम पे मुझे अच्छा खासा पेमेंट भी मिलता था, प्लस इंसेंटिव आ रहा था उस टाइम पे। 3 इयर्स के स्पैन में मैंने बहुत सारा ट्रिप किया। मैंने सोलो भूटान किया था, सिक्किम किया था, दार्जिलिंग में मैं गया उस टाइम पे फर्स्ट, उड़ीसा में मैं पुरी गया, और भी काफी सारी जगह गया। तो ऐसे अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन वो एक कीड़ा होता है ना अंदर में। भूटान में एक जगह है दोचूला पास, तो दोचूला पास में अपने बाइक के साथ मैंने एक फोटो ली हुई थी जो कि मेरे डेस्क के ऊपर लगाया हुआ था। और जब भी, मतलब ये मैं एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, जब भी मैं काम करने बैठता था हमेशा अंदर से एक आवाज आती थी कि बेटा ये तेरा जॉनर नहीं है, ये तेरा वर्ल्ड ही नहीं है, तेरा कुछ दूसरा वर्ल्ड है। फिर भी मतलब अपने को समझाना होता है ना कि हाँ छोड़ तो देंगे लेकिन बाद में करेंगे क्या, इतना अच्छा खासा सैलरी आ रहा है, ट्रिप्स भी हो रहे हैं साथ में, तो उसको छोड़ना क्यों। 2016 में मार्च में मेरी शादी हुई थी और 2016 के दिसंबर में मैंने जॉब क्विट कर दिया। मतलब एक अंदर से हो रहा था कि अब नहीं, अब बस बहुत दिन हो चुका, 3 साल 4 साल, अब खुद से कुछ करना है। लेकिन ये उतना आसान बात नहीं है, मतलब जैसे मैं आपको स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, प्लस बिजनेस की जो दुनिया है कि अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप कोई स्टार्टअप करने जा रहे हो तो आपको लूटने वाले कम नहीं मिलेंगे। 2016 में मैंने जॉब क्विट किया। 2017 और 2018 मैंने काफी ज्यादा सफर किया क्योंकि मुझे एक रत्ती भर भी एक्सपीरियंस नहीं था टूरिज्म बिजनेस का। मैं जितना भी आज तक सीखा हूं उसके पीछे बस दो ही कारण है कि मैंने छोड़ा नहीं था, और दूसरी चीज है कि मैंने अपने कस्टमर्स के साथ हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है। एक टाइम ऐसा आया हुआ था कि मैंने एक हेलमेट ऑर्डर किया हुआ था स्टड्स का, जिसका कीमत था 2300 रुपए। मैंने कार्ड स्वाइप किया तो मोबाइल पे एक मैसेज आया कि पेमेंट डन और अकाउंट बैलेंस इज जीरो। जीरो मतलब लिटरली जीरो। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। मैंने खुद जितना भी मेरे पास सेविंग्स था, जो भी था, मैंने बिजनेस पे लगाया हुआ था, वेबसाइट के लिए और एड के लिए, मतलब काफी जगहों पे कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। वहां से लेके अभी तक जो भी है, जो कुछ भी है, उसके पीछे बस एक ही कारण है, शायद मैंने छोड़ नहीं दिया। 2018 में मेरे पास मेरे लाइफ का पहला अपॉर्चुनिटी आया एक बाइक ट्रिप ऑर्गेनाइज करने का, गुरुदोंगमार लेक। जो पहला टीम था, 6 जन पहले दिन निकल के चले गए सिलीगुड़ी, होटल पहुंच गए। सेकेंड डे 6 जन के ग्रुप के साथ मैं निकलने वाला था कोलकाता से। तो कोलकाता से 450 किलोमीटर पे एक जगह आता है डालखोला, वहां पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। बस ने मुझे शायद पीछे से टक्कर मारी थी या कुछ भी किया हुआ था, साइड में
मतलब पूरा धकेल दिया था, पांच या छह सेकंड के लिए, मतलब मुझे जस्ट मेरे आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया था। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं देख रहा था कि मेरे हाथ से खून बह रहा है और कुछ आवाज नहीं आ रही थी मुझे। हाँ, खाली यही आ रहा था कि लोग ऐसे भागा दौड़ी कर रहे हैं, बाइक को उठाया उन्होंने, बाइक मेरे पैरों के ऊपर पड़ी हुई थी। तो उठने के बाद मैंने जो पहला चीज पूछा उन लोगों से कि मेरा बाइक ठीक है या नहीं, तो एक बंदे ने बोला कि अरे भाई तेरा बाइक ठीक है, तू पहले खुद को देख। तो मैंने ऐसे उठकर बैठने की कोशिश की लेकिन मैं गिर गया। सेकेंड टाइम मैंने फिर से ऐसे उठ के बैठने की कोशिश की, मैं फिर से गिर गया। थर्ड टाइम मैंने अपने हाथों को जमीन पे रखा, मैं खड़ा होने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा जो एंकल है बाएं पैर का वो बीच में से टूट गया था। अभी सामने दो सिनेरियो था, एक तो मैं 450 किलोमीटर कोलकाता वापस आ सकता था या फिर 150 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी पहुंच सकता था। तो मैंने धीरे धीरे 5 बार 6 बार 10 बार खड़े होने की कोशिश की। मुझे बस यही लग रहा था कि किसी तरह से मुझे सिलीगुड़ी पहुंचना है आज रात को, क्योंकि कोलकाता पहुंचना तो नामुमकिन था उस पैर के साथ। तो मैं बाइक पे बैठा और मेरे ग्रुप मेंबर्स जिसमें से मेरा छोटा भाई भी था तो वो मेरे आगे चल रहा था और बाकी ग्रुप मेंबर्स मेरे पीछे चल रहे थे मुझे बीच में ले। डालखोला से सिलीगुड़ी लगता है 2 घंटे, मैंने 6 घंटे में ये राइड कंप्लीट की और अगले दिन फुल टीम को मुझे लेके निकलना था गुरुदोंगमार लेक 17,800 फीट। तो एक चीज तो तय था कि मैं बाइक नहीं चला सकता, कि रोड में बेंड जाएंगे, ऑफ रोड जाएंगी, वाटर क्रॉसिंग्स आएंगी गुरुदोंगमार के रोड पे, तो बहुत ज्यादा गियर डाउन और गियर अप करना पड़ता था। लेकिन मेरे पैर का जो हालत था उसके साथ ये करना बिल्कुल नामुमकिन था, पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने होटल पे बात किया, पहचान का होटल था, वहां पे मैंने बाइक रखी और उसके बाद एज अ पिलियन मैंने गुरुदोंगमार कंप्लीट किया। पूरे टीम के साथ मैंने गुरुदोंगमार कंप्लीट किया अपने टूटे हुए टांग के साथ। अगर मैं उस दिन क्विट कर देता तो मैं 2 दिन पहले घर आ सकता था, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा चलती कि मैंने क्विट कर दिया। और मुझे याद है 9th of October को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और 23rd of October को मैंने अपने पैरों पे प्लास्टर करवाया था। 2nd of November को हम लोगों का फ्लाइट था अंडमान जाने का पूरे फैमिली के साथ और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपके पैर की जो हालत है 3 महीने तक अब चल नहीं सकते, लेकिन मैंने अंडमान भी कंप्लीट किया। 2019 में मेरा बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगा। इस बीच में मेरा जो भाई था उसने मुझे बताया कि देख यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर तू जैसे घूमता है अगर ये सब चीजें तू व्लॉग्स बना के डालेगा वहां पे और अगर लोगों को पसंद आई, लोगों ने सब्सक्राइब किया, व्यूज हुए तो पैसे आ सकते हैं। अभी मुझे कुछ आता ही नहीं था कि व्लॉग्स कैसे बनाते हैं, मतलब ना ही मेरे पास कोई कैमरा था, ना ही मेरे पास कोई मतलब जो इक्विपमेंट जो होते हैं ना यूट्यूब के, ना ही मेरे पास वो था, कुछ भी नहीं था। और बना के एक छोटा सा वीडियो बना के मैंने छोड़ दिया, ऐसे कुछ सीरियसली नहीं लिया उसको। तो मैंने देखा कि हाँ 2 या 3 सब्सक्राइबर्स जो कि मेरे जान पहचान वाले हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को और मुझे याद है 10 व्यूज हुए थे उस वीडियो का। उसके बाद एक और वीडियो अपलोड किया, वीडियो नहीं एक्चुअली वो फोटो कोलाजेस वो मैंने अपलोड किया लेकिन उसमें उतना कुछ व्यू नहीं आया। तो मैंने उस टाइम पे यूट्यूब को उतना सीरियसली लिया हुआ नहीं था, लेकिन उसके बाद मेरे खुद के जो वीडियोस है वो मैंने एक दिन देखा तो देखने के बाद मुझे लगा कि मतलब मुझे वो खुद से ही पसंद नहीं आए, तो मुझे लगा कि अगर मुझे खुद के बनाए हुए वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं तो कस्टमर्स को मतलब तो सब्सक्राइबर्स को कैसे अच्छे लगेंगे। मैंने एक एक्शन कैमरा खरीदा, SJCAM 4000 वाईफाई जो कि मेरे पास अभी भी है, लेकिन मैंने थोड़ा जुगाड़ किया हुआ है और वो जुगाड़ का वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने 2-3 ट्रिप्स किए, उसके फोटोज डाले तो सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे और मेरा इंटरेस्ट भी ग्रो होता चला गया।
उसके बाद मैंने लद्दाख ट्रिप किया तो काफी सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए उस टाइम पे। उसके बाद भूटान ट्रिप किया तो और भी ज्यादा बढ़ गए। उसके बाद एक वीडियो मैंने डाला हुआ था कि बजट फॉर लेह लद्दाख ट्रिप कोलकाता टू कोलकाता, तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आया। और उस टाइम से मतलब लद्दाख ट्रिप के पहले से मैं यूट्यूब सीरियसली करने लगा। और कुछ दिनों पहले मैं सोच रहा था कि 1000 कब क्रॉस होगा, अभी तो 1100 होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, प्लस व्यूज और जो टाइमिंग्स है वो भी काफी अच्छे आ रहे हैं आपकी वजह से। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने एक क्वेश्चन मुझे पूछा था कि अगर उन लोगों को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो वो कैसे कर सकते। एक तो आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, अगर आप कोई वीडियो डाल रहे हो यूट्यूब पे तो उसमें एक स्टोरी लाइन होनी चाहिए। तीसरी चीज जो मैं करता हूँ कि अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर रात के 12 बजे या 1 बजे भी मुझे कोई एक मैसेज डालता है कमेंट बॉक्स में, तो अगर मैं वो मैसेज देख रहा हूँ मैं उसी टाइम पे उसका रिप्लाई करता हूँ। सो बस ये थी मेरी अब तक की जर्नी, और यहाँ तक ग्रो करने में 4 लोगों का हाथ बहुत ज्यादा है। तो है मेरा छोटा भाई जो कि मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करता है मेंटली, दूसरी मेरी वाइफ, तीसरा है अनिर्वान नंदी, और चौथे है चितरंजन और आसानसोल के यंग यूट्यूबर जो ग्रुप है उनसे मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। लास्ट 1000 अचीव करने में मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट इन लोगों ने किया हुआ है। और अगर आपने यहां तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, प्लस कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो लोग चैनल पे नए हो वो लोग सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जय हिंद, जय भारत।